पर कोई भी पांच बताओ, चार बताओ, छह बताओ, जितने बता सकते हैं उतने बता सकते हैं आप। बारह ज्योतिर्लिंग, उनके नाम बताइए और वो कहां पर स्थित है, बताइए जल्दी से। माइक लाइए, माइक लाइए इधर। ओंकारेश्वर, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर। ओंकारेश्वर कहां पर स्थित है, ओंकारेश्वर कहां पर है? सोलह महाराष्ट्र में। खड़े हो जाइए, बोलिए। सोमनाथ गुजरात में, और उज्जैन मध्य प्रदेश में। आज तो उज्जैन में कौन से महादेव जी बैठे हैं, कौन से ज्योतिर्लिंग? महाकालेश्वर। महाकालेश्वर, तालियों से स्वागत करिए। मेरा नाम गायत्री कालेश्वरी है और घृष्णेश्वर महाराष्ट्र के वेरूर गांव में। बारह ज्योतिर्लिंग है हमारे, बारह ज्योतिर्लिंग। इन्होंने पांच ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया है और कहां पर स्थित है वो भी बताया है। गलत। माइक उधर ले जाओ, माइक उधर दो दीदी। आप कौन बता रहे हैं? सही बता रहा है, दे दो इनके पास माइक। कौन बता रहे थे याद है अभी? हाँ थोड़ा आगे आओ, थोड़ा आगे। सही है, ताली बजाएं इनके लिए जोर से, ताली बजाएंगे। इसका नाम लिखिए, पूजा जी। अगला सवाल, वाल्मीकि जी का बचपन का नाम क्या था? जानकारी नहीं किसी को? उनका बचपन का नाम रत्नाकर था। क्या था उनका बचपन का नाम? रत्नाकर। सही बोला है। नाम जी का वाहन उल्लू। गौतम। अरे तो कौन सी आई लाइव होगी बता दो। देवी अहिल्या के पति का नाम कौन होगा बताइए? कौन होगा? हमारे देश की राष्ट्रपति कौन सी नहीं? चलिए तालियों से स्वागत करिए। नाम बताइए, नाम। वर्तमान राष्ट्रपति कौन? वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है? सही जा रहे बताइए। द्रौपदी मुर्मू। कृष्ण भगवान को जन्म देने वाली माता कौन सी थी? देवकी। उधर सही जवाब। अश्विनी दीप। पति का नाम बताइए। दो माता निकली थी। विश। मेरा नाम पति बजाज है। और जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें कौन कौन शामिल थे? देवता और राक्षस। उसका नाम क्या है? वासुकी। वासुकी, वेरी गुड। रेशमा पाटिल। शिवजी के धनुष का नाम क्या है? कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं सत्संग में तुम जाया करो,
आज हम यहाँ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पानसेमल में मातृगोष्ठी के सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। यहाँ उपस्थित मंचस्थ अतिथिगण और सभी माता बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मंचस्थ आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर गिरीश जी कानूंगो, आप सिंधवा प्रायर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, साथ ही सरस्वती शिशु मंदिर सिंधवा के अध्यक्ष हैं। उन्हीं के समीप मंचस्व डॉक्टर स्वाति दुबे, आप पांचमाल शासकीय अस्पताल में चिकित्सक हैं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पांचमाल की भूतारा शिक्षा समिति के अध्यक्ष माननीय कुर्जी चौहान, आप संघ के सेवा जिले के सेवा प्रमुख भी, साथ ही भूतारा शिक्षा समिति के सचिव महोदय श्री जितेंद्र जी मौर्य, आपका प्रायः व्यवसाय है नौकरी है, साथ ही ध्रुतारा शिक्षा समिति के कोषाध्यक्ष महोदय कैलाश जी शर्मा आपके मध्य उपस्थित है। सदस्य श्री मयूर जी कुलकर्णी यहाँ उपस्थित है। सेवा शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य श्री सागर जी सामने भी उपस्थित है एवं इस संस्था के प्रधानाचार्य श्री श्री चौबेदिया उपस्थित है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे संस्था के प्रधानाचार्य सचिन जी चौबे, ध्रुव तारा शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष योगेंद्र जी, सूरज के स्वागत में नृत्य करे धरती, धरती के स्वागत में तिलकताए चंद्रमा, प्रकृति ने सिखलाई स्वागत परम तेरे, सूरज के स्वागत में नृत्य करे धरती, धरती के स्वागत में तिलकता स्वागत है सिखलाई स्वागत परंपरा, स्वागत आपका, सूरज के स्वागत में प्रकृति ने सिखलाई स्वागत, सूरज के स्वागत में नृत्य करे धरती, धरती के स्वागत में तिलकताए चंद्रमा, प्रकृति ने सिखलाई स्वागत। भाई साहब श्रीफल भी दे दो यार थोड़ा। श्रीफल आ रहे। सूरज के स्वागत में जब समाज में एक पुरुष शिक्षित होता है तब वह एक व्यक्ति होता है, लेकिन जब आप किसी स्त्री को शिक्षित करते हो तो आप पूरी एक पीढ़ी को शिक्षित करते हो। कमजोर नारी शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। नृत्य करे धरती, धरती के स्वागत में तिलकताए चंद्रमा, प्रकृति ये स्वागत परंपरा, प्रकृति ने सिखलाए स्वागत आपका, थोड़ा वो नारियल दिखने दो यार, नारियल ऐसा हम है शक्ति, हम है शक्ति, हम है बुद्धि प्रेरणा प्रयास, हम हर अंधेरे पथ के ज्योति पुंजल प्रकाश, हम है शक्ति, हम है शक्ति, हम है शक्ति, हम है शक्ति, हमको आने
तो दुनिया में हमसे ही सृष्टि सारी, सोचो कैसे हो ये धरती जो ना हो जग में नारी। हम है शीतल हम है कोमल, पर ना समझो है हम अबल, पर ना समझो है हम अबल। वक्त पड़े तो चट्टानों को भी कर देते हम घायल। हम है दुर्गा हम है काली, हम है दुर्गा हम है काली, हम है दुर्गा हम है काली। साहस और विश्वास हम ही लक्ष्मी सरस्वती हम, प्रेम और एहसास हम है शक्ति, हम है शक्ति, हम है शक्ति, हम है शक्ति। आज प्रगति की दिशा में हमने कदम रख दिया, चल पड़े अपने सफर पे कितने मंजिल तय की। आज हम है जिस जगह वो था नहीं इतना सरल, एक मुक्ति हम ही शांति, हम ही क्रांति, उन्नति विकास हम। मातृभूमि के लिए रचेंगे एक नया इतिहास हम। हम है शक्ति, हम है शक्ति, हम है शक्ति, हम है बुद्धि प्रेरणा प्रयास। हर अंधेरे पति इस दुनिया में शान है नारी की, शक्ति का अवतार है नारी, शक्ति का अवतार है नारी। अगले प्रश्न के लिए में हमारे विद्यालय के प्राचार्य संस्था के देवेंद्र जी सोनवणे आप आए और प्रतिवेदन दीजिए। से मार्गदर्शित सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मालवा प्रांत से संबंधित ध्रुव तारा शिक्षा समिति पांचमहल द्वारा संचालित ज्ञान व संस्कार युक्त इस त्रिवेणी के पावन मंदिर का बीजारोपण 1994 में हुआ, जो आज एक विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है और नगर का एक श्रेष्ठ शैक्षणिक प्रतिष्ठान हो गया है। यह संस्था अपने विद्यालय के स्थापत्य कला से ही यह शैक्षिक ऊंचाइयों को प्राप्त करता आ रहा है। यह आज अनुशासन चरित्र संस्कार सेवा तथा कर्तव्य निर्माण का तीर्थ बन गया है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर संस्कार सेवा भाव के साथ भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान के लिए जाना जाता है। शिशु मंदिरों में बालक के समग्र विकास, बालक के शारीरिक प्राणिक मानसिक बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। विद्यालय में वर्तमान में कुल 582 भैया बहनों का मार्गदर्शन व अध्यापन कार्य हमारे 21 आचार्य दीदियों द्वारा किया जाता है। विद्यालय की अन्य व्यवस्थाओं में लेखापाल, एक लिपिक, एक कंप्यूटर ऑपरेटर व सेवक सेविकाएं सहयोगी कार्य कर रहे हैं। सत्र 2022-23 में भैया 354, बहने 204, कुल 558 भैया बहन अध्ययनरत थे। इस सत्र में 2023-24 में भैया 345, बहने 337, कुल 582 भैया बहन अध्ययनरत है। इसमें 24 भैया बहनों की वृद्धि हुई है। इस सत्र में विद्यालय के भैया बहनों व अभिभावकों द्वारा पिछले सत्र में 40,000 की राशि समर्पण के रूप में प्रांत को भेजी गई थी। आदरणीय विशेष अतिथि महोदय, आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण शिक्षिकाएं, आप सभी को मेरा सादर नमन प्रणाम और प्रणाम सभी मातृशक्तियों को।
आप सभी मातृशक्तियों को, आप सभी जो अपना मूल्यवान समय निकाल करके ये देखने के लिए आए हैं कि क्या आज विशेष यहाँ पर होने वाला है, क्या आप लोगों को संबोधित किया जाने वाला है। स्वभावतः आपके बच्चों के लिए ही कुछ विशेष बताया जाने वाला है आज, यही बता करके आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया होगा। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस विषय पर बोलने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। सर धन्यवाद इस चीज़ के लिए। मुझे या आज जिस विषय पर हमें बात करनी है वो है पोषण। तो मुझे नहीं लगता कि हमें हमारी मातृशक्तियों को ये बताने की ज़रूरत है कि उनको अपने बच्चों को किस प्रकार से पोषित करना चाहिए, किस प्रकार से उनको पोषण देना है। सही है, सभी मातृशक्तियों को ये पता है कि उनको अपने बच्चों को किस प्रकार से क्या क्या खिलाना है। सही है या नहीं है? या किसी को अभी भी नहीं पता है? माता बन गई है लेकिन फिर भी नहीं पता है कि बच्चों को क्या आहार देना है, क्या नहीं देना है। सभी को पता है, किसी के घर में बुजुर्ग हैं तो वो भी बता देते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से खिलाना पिलाना है। पर फिर भी हम ये आज के परिवेश में, परिदृश्य में, आज के वातावरण में ये देख रहे हैं कि कुछ बच्चे खाना नहीं खाते हैं। एक बहुत सिंपल सा जो है क्राइटेरिया सभी लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है ना? सभी घरों में आपको देखने को ये मिल जाएगा कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं। बच्चों को क्या चाहिए? सबसे पहले हमें पोषण क्या देना है ये जानना जरूरी नहीं है, हमें बच्चों को क्या नहीं देना है ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहले हमें खुद ये समझना होगा कि हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अब वो बुरे के लिए अगर वो आपसे जिद करता है तो आपको साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके आपको उसको जो है दूर करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप ये शिकायत दूर कर पाएंगे कि हमारा बच्चा नहीं खाता है। आपका बच्चा इसीलिए नहीं खाता है, वो पेट खाली रखता है ताकि वो समोसे, कुरकुरे और चिप्स ये सब खा सके। आजकल के बच्चे ज़्यादा होशियार हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें आपको उनको अवॉइड करवानी पड़ेगी, जो कि एक यूँ कहें कि बहुत मुश्किल टास्क है हम महिलाओं के लिए। बहुत मुश्किल है क्योंकि हम महिलाएं दिन भर अपने काम पे इतने व्यस्त रहते हैं ना कि बच्चों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। ये सब जनरल कंडीशंस में बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, मैं खुद दो बच्चों की, मुझे खुद समझ में आता है कि हम बच्चों की तरफ कहाँ पर जो है चूक जाते हैं कि बच्चे जो है अपनी मनमर्जी चलाने लग जाते हैं। देखिए, खाना क्या देना है ये हम सब जानते हैं, हम सबको पता है कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी, अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ, फल, फ्रूट्स, दूध, दही, घी, ये सारी चीजें जो है वो बच्चों के लिए अति आवश्यक है। दूध, घी, इस पर मैं विशेष जोर दे रही हूँ जो आज की तारीख में लगभग गायब हो गया है। दूध और घी को हमारी मातृशक्तियां ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हैं। क्या मैं सही हूँ? कहीं नहीं है ना, हम लोग दूध और दूध घी को जो है भूलते जा रहे हैं, जबकि हमारे जो प्राचीन काल में या फिर हमारे अभी आप अपने वो ही जोर देंगे इन चीजों पर कि बच्चों को दूध। छोटा सा बताऊंगी मैं, एक तो WHO क्या कहता है स्वास्थ्य के लिए। WHO क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या कहता है स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकार का विकास जिसके अंदर है वो ही स्वस्थ है। इसके अलावा आयुर्वेद क्या कहता है? संतोष समाग्निश्य समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यादि दिए। संस्कृत कोटेशन है, हिंदी ये कि जिसके दोष धातु मल अच्छे हैं, जिसकी आत्मा इंद्रिय उसके वश में है, ये सभी व्यक्ति कैसे रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। आज मैं यदि बोलूं कि आप स्वस्थ हैं क्या, आप कहेंगे मैं स्वस्थ हूँ। सही है, लेकिन आप खुद सोचिए कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बाद भी क्या आप मन से पूरी तरीके से प्रसन्न में जल्दबाजी ना करें। आप बच्चों को खाने के लिए दे देते हैं और फिर आप अपने काम में लग जाते हैं। सही बात है, हम बच्चों को एक वातावरण क्रिएट करवाएं। जब हम बच्चों को खाना दे रहे हैं तो हम अपने सारे काम छोड़ करके बच्चे के पास 15 मिनट बैठ सकते हैं, अपना मोबाइल भी एक साइड रख करके। सही है, आजकल हमारा मोबाइल हमारे बच्चों से भी प्यारा हो गया है हमें। हम अगर बच्चों के पास भी बैठे हैं तो मोबाइल में व्हाट्सअप और सारी चीज़ें देखते रहते हैं। ये है ना, दूरगामी परिणाम है इसके दूरगामी है। ये हमारे सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है।
हमारे पेट की जो अग्नि होती है ना, जिसे हम बोलते हैं ना पेट में आग लगी है, वास्तव में वो आग होती है, वास्तव में वो अग्नि होती है, वो अग्नि देवता होते हैं यदि हम समझें तो। और उसको भोजन देना, जैसे आप जो है आग को जो है आप अग्नि देवता को आप किस प्रकार से अर्पण करते हैं चीजें, तो पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं ना, तो उसी प्रकार से आप अपना भोजन, आपके बच्चों के लिए भोजन जो परोस रहे हैं उसको पूरी श्रद्धा के साथ परोसिए, उसको श्रद्धा के साथ खाइए, क्योंकि वो अग्नि ही आपके भोजन का पाचन करेगी और वो आपके शरीर में जा करके आपको ताकत देगा, आपके शरीर को ताकत देगा, आपके मन को ताकत देगा। तो ये एक सिंपल सी चीज है जो हम सभी लगभग जानते हैं, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो क्या हम लोग आज से इस चीज को फॉलो कर सकेंगे? बहुत सिंपल सा है, क्या हम इस चीज को फॉलो कर सकेंगे? हाँ बोल सकते हैं आप लोग, धन्यवाद। और दूसरी बात देखिए, हमें बच्चों को स्वस्थ रखना है, हमें बच्चों पर पूरा समय देना पड़ेगा। हम ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा अपने आप पल जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। हम जो बच्चों को, बच्चे जो बिगड़ रहे हैं ना, उसके पीछे जो है 50% कारण उनकी माताएं हैं। ये कड़वा सत्य है, क्योंकि हम 2400 घंटे अपने बच्चों के साथ में रहते हैं। हम काम का बहाना लेकर के अपने बच्चों को बिगाड़ नहीं सकते हैं। बच्चों को यूं ही प्लेसेस पर जा करके खेलने दे रहे हैं और हम उनकी तरफ ध्यान ना दें, ये हमारी गड़बड़ी है। मैं ये इस विषय को क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि ये भी आपका पोषण से संबंधित है। बच्चा बाहर खेलेगा, वो खेलने में इतना व्यस्त हो जाएगा कि आपके खाने की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं रहेगा, है ना? तो धीरे धीरे संगति का असर भी हो जाएगा। आपको अपने बच्चे की तरफ पूरा ध्यान देना है। वो आप कब ध्यान दे सकती हैं? जब आप खुद स्वस्थ रहेंगी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। आप ही गुस्से में हैं, आप ही चिड़चिड़ कर रही हैं, आप ही खाना ही नहीं बना रही हैं। आज तो हमें खाना ही नहीं बनाना है, जाओ जहाँ से खाना है वहाँ से खा लो, मंगा लो मार्केट से, सही है? ऐसा भी हो जाता कभी कभी, है ना? तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो हम ध्यान दें कि कभी कभार ठीक है, साल में एक आध बार इस तरीके की बात चल जाएगी, लेकिन हमेशा हम इन चीजों को नोटिस करें कि ये चीजें हमारे बच्चे के वृद्धि को जो है रोक रहा है। ये हमें एक दिन में नहीं समझ में आएगा, ये हमें एक साल में भी नहीं समझ में आएगा। जब वो बच्चा 10 साल 12 साल का बड़ा हो जाएगा और वो आपकी बात नहीं सुनेगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने इसकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया। तो आप उसको शारीरिक विकास तो करिए ही, आप उसका मानसिक विकास करिए। आप जिस तरीके से रहेंगे आपका बच्चा भी उसी प्रकार से डेवलप होगा। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका आदर सम्मान करे, तो आप अपने बुजुर्ग जो आपके घर में हैं, आप उनका आदर सम्मान करिए। आप उनके उनके सामने ऐसे विषय मत निकालिए जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल हो, जिसके बारे में बच्चा सोचते बैठे कि अरे यार आज मम्मी पापा ने ऐसी कौन सी बात कह दी, है ना? तो उसको आप क्या बनाना चाह रहे हो, इसके पहले आपको वो उदाहरण उसके सामने आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है और उसके लिए आपको आपके जीवन में किस पीना है ना, समय पे खाना पीना, और दूसरा योगा प्राणायाम। इस चीज को आप मानिए या ना मानिए, इस चीज को आपको आज नहीं तो कल आपके जीवन में उतारना ही पड़ेगा। योग और प्राणायाम हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता की एक ऐसी जागीर जो कही है आप, ऐसा खजाना है ना जो हमको इतना स्वस्थ बना देता है कि हम केवल अपना नहीं, अपने बच्चे का नहीं, अपने परिवार का नहीं, हम पूरे अपने समाज का जो है ध्यान रख सकते हैं। देखिए, अगर आपने अपने बच्चे को स्वस्थ बनाया तो आगे चल करके वो समाज का ही तो कल्याण करेगा ना। और अगर आपने आप अपने बच्चे को सही नहीं बना पाए, एक तो आप अगर उसको कुपोषित रहने दिया, आपने उसको शारीरिक रूप से विकसित नहीं होने दिया, आपने उसको मानसिक रूप से अच्छा नहीं बनाया, आपने उसको कुटिल बना दिया, दुष्ट बना दिया, क्या वो पूरी समाज और सभ्यता के लिए अच्छा है? नहीं है। वो दूसरों को भी क्या करेगा, दुख देगा, है ना? तो किसकी जिम्मेदारी है? एक व्यक्ति के निर्माण के पीछे उसकी माँ की पूरी जिम्मेदारी है। तो मैं आशा करूंगी कि हम सभी माताएं अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरीके से वहन करें, बच्चे को स्वस्थ रखें, स्वस्थ रखने के लिए उसे समय दें, बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए उसके पोषण का पूरा ध्यान दें। पोषण के बारे में सभी को जानकारी है, सभी प्रकार के कलर्स, जितने भी कलर्स सब्जियों में आते हैं, फ्रूट्स में आते हैं, वो सब बच्चों को मिलना चाहिए। एक थाली के अंदर अलग अलग कलर के भोजन होने चाहिए, जैसे हरी सब्जी भी होनी चाहिए, दही दाल भी होना चाहिए, चावल भी होना चाहिए, ठीक है? और ये रोज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दाल चावल ही खिला रहे हैं तो हफ्ते भर दाल चावल ही खा रहा है बच्चा, हमारा बच्चा रोटी सब्जी खाता ही नहीं है।
ये सारी चीजें हमें खुद करवानी है और हम कर सकते हैं। तो क्या हम लोग ये करेंगे अपने बच्चों के लिए करेंगे? और क्या हम लोग थैंक यू कुमार में संस्कार शिक्षा ही शिशु के लिए शिक्षण प्रक्रिया होती है। संस्कार शिक्षा ही शिशु के लिए शिक्षण प्रक्रिया होती है। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मातृ सम्मेलन के मुख्य वक्ता समिति के जितेंद्र जी मोरे, आदरणीय शर्मा जी, कुश जी एवं सभी समिति सदस्य, सबसे पहले जोरदार तालियां बजाएं एक बार मैडम के नाम से। काफी समझा, एक बड़ा सवाल उन्होंने पूछा था आपसे आसान, कि जो बताया वो आप लोग करेंगे क्या, और विशेषकर उसमें आए थे योग प्राणायाम की। हाथ तो कोई ने ऊंचे नहीं करे, डर लगता हमको हिंदुस्तानी का हाथ ऊंचे करेंगे तो हमारी फोटो खींच ले जाएगी, और कल से नहीं करेंगे तो पकड़ के ले जाएंगे, है ना। तो मैंने मैडम को बताया कि होता ऐसा ही है, करेगा कोई नहीं, हाथ जरूर ऊंचे करेंगे। चलो, आज जो यहाँ पर मुख्य विषय था स्वर्ण प्राशन का, स्वर्ण प्राशन क्या होता है, बच्चों को क्यों करना चाहिए। यहाँ पर जितनी माताएं बैठी है, लगभग ऐसा जो दिख रहा है या मानता हूँ मैं, कि अधिकांश के बच्चे छोटे छोटे होंगे या घर में किसी के छोटे बच्चे होंगे आसपास में, तो आप ऐसे हाथ उठाएं कि घर में या खुद के छोटे बच्चे किनके 1 साल से लेकर 5-7 साल तक हाथ उठाएं। हाथ उठाने फिर डरने की बात आ गई ना, हमारे घर के आसपास भी हो सकते, ऐसा जरूरी नहीं हमारे बच्चे हमारे घर में जो है उनके या आसपास के, लगभग ऐसा माना जाए कि जी, है ना, कि हम लोग जो है हमारे घर में छोटे बच्चे आसपास है, रिलेटिव्स के बच्चे हैं। एक डॉक्टर होने के नाते सबसे पहले जो बच्चे आते मेरे पास, उनका सवाल क्या रहता है, पहले दिन तो जैसे बच्चा आया, आप लोग भी डॉक्टर के वहाँ जाते हैं, ठीक कि साहब इसको कल से सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बुखार हो गया, दस्त हो गया, उल्टी, बराबर पहला ये रहता है ना आपका सवाल, क्या डॉक्टर देखेगा कब से हुआ कि साहब कल से सर्दी हो रही, खांसी हो रही और बुखार, वो 2-3 बार दस्त हो गए, 2-3 उल्टी हो गई। अब आपको डॉक्टर ने जो है दवा लिख के रवाना कर दिया कि आप घर जाएं, ये 2-3 तरह की दवाइयाँ लिखी, 2-3 दिन बाद दिखाना, और ऑलमोस्ट बच्चे 2-3 दिनों में ठीक भी हो जाते हैं। अब वापिस संयोग से आप डॉक्टर पास जाते हैं, यदि मान लो बच्चा स्वस्थ रहा कि डॉक्टर बुलाता है कि साहब 3-4 दिन बाद एक बार फिर बता देना, कोई तकलीफ होगी तो हम देखेंगे। अब डॉक्टर चेक करता है आपकी प्रेस्क्रिप्शन, देखता है कि ये दवाइयाँ बराबर पी ले, हाँ सब बराबर पी ले, सर्दी खांसी बोले ठीक हो गई, बुखार ये भी ठीक हो गया। अब जो है आप में से अधिकतर लोग बताएं कि जो बच्चों की कॉमन समस्या रहती, सबसे कॉमन समस्या क्या रहती, सर्दी खांसी बुखार दस्त लगना, बच्चे का हमारी भाषा में बोलते हैं वजन नहीं बढ़ना, बोले क्या बोलते हैं बच्चे आंग नहीं पकड़ता, ऐसे शब्द बोलते हैं, वजन नहीं बढ़ता आंग नहीं पकड़ता, है ना, भोजन में अरुचि जैसे दीदी बताया, भोजन खाने की इच्छा नहीं होना और चेहरे पर तेज नहीं होना, बच्चा हमारे कैसे दिखता, फ्यूज बल्ब दिखता ना ऐसे ही। तो ये हमारी कॉमन शिकायत रहती है डॉक्टर से कि साहब हर 8 दिन में आपके पास जाते हैं बच्चों को, हर 15 दिन में आपके पास आते हैं बच्चों को, सर्दी हो जाती, खांसी हो जाती, बुखार हो जाता है, दस्त लगते हैं, उल्टी होती, खाना नहीं खाता और वजन नहीं बढ़ता, ये सबके शिकायत है, बताएं हाथ ऊंचा करें, क्या सबके शिकायत यही है क्या, कि मैं अकेला बोल रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, इधर कुछ लोगों को डर लग रहा है उठाने में, ठीक है वास्तव में सही बता रहा हूँ मैं, जितने बच्चे देखता हूँ पेशेंट जो विशेषकर 1 से लेकर 4-5-6 साल, उनकी शिकायत ये रहती कि बच्चा खाना नहीं खाता है और बार बार बीमार हो जाता है, और ये सभी के कॉमन, मैं सिंधुआ हूँ आपको बहुत दूर नहीं कि विदेश में हूँ मैं, आपके वहाँ से आधे घंटे का रास्ता है, वहाँ भी मौसम वैसा ही है जैसा यहाँ पर है, तो उसके लिए क्या करें हम, उसके लिए हमारे जो 16 संस्कार हमारे धर्म में बताए गए थे उसमें एक विशेष संस्कार है स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण मतलब सोना, सोना मतलब नींद नहीं, स्वर्ण मतलब सोना, गोल्ड जो हम लोग पहनते हैं वो गोल्ड, और प्राशन मतलब होता है चटाना या खिलाना, स्वर्ण प्राशन मतलब स्वर्ण को चटाना या खिलाना। तो स्वर्ण मतलब क्या हो गया, अब क्या हम ऐसा माना जाएंगे कि बच्चा हुआ
और हमने अंगूठी निकाली चटाना चालू कर दिया उसको, चेन निकाली और चटाना चालू कर दे, ऐसा नहीं होता। स्वर्ण प्राशन जो होता है एक विशेष औषधि रहती है जो स्वर्ण भस्म के साथ में शहद, ब्रह्माणी, अश्वगंधा, गिलोय, शंख, पुष्पी, वचा आदि जड़ी बूटियों से एक निश्चित मात्रा में निश्चित मात्रा है और बच्चों को पिलाई जाती है। पहले की बात करें हम तो जन्म लेते के समय पहले बच्चों को इसकी गोल्ड की सुई बोलेंगे या सलाका बोलेंगे, अब तो मुश्किल है कि सोने की सुई मिले, स्टील की, उस पे शहद लगाकर हम चटाते थे और कुछ परिवार में जबान पर ओम लिखने की प्रथा थी। कई परिवार में हो सकता आज भी बच्चे के जन्म के समय हम लोग शहद चटाते हैं या हमारी जैसी मान्यता हो उस तरह का देते हैं, तो यह स्वर्ण प्राशन का ही एक रूप में। पुराने जमाने की बात करें कुछ यहाँ पर कम दिख रहा है कि 50-60 ऊपर की महिलाएं हैं, तो जो मुझे ध्यान है मैंने जो पी है जो मेरी माता जी से सुना है, जायफल, वायवडीन, अच्छा अरे वाह सुना है आपने नाम है ना, जायफल, वायवडीन, बाल हरण, डीगामली, गरुड़ सिंगी है ना, काकड़ सिंगी, ये आदि घुटियां अब ये सब विलुप्त हो गए। मेरे ख्याल से कई लोगों ने तो शायद पहली बार नाम ही सुना होगा जायफल क्या होता है। जायफल एक फल होता है, घिसते हैं उसको और बच्चों को पिलाते हैं, इस तरह से वायवडिंग और घुटी होती है। हम जितना जितना प्रकृति से दूर हो रहे हैं उतनी बीमारी पास में आ रही है, और जितना हम प्रकृति के पास में आएंगे बीमारी उतनी दूर हो जाएगी। इन सब मेडिसिनल प्लांट हैं, इनमें औषधीय तत्व रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप बोलेंगे कि स्वर्ण प्राशन से क्या होगा, चलो मैंने आपको बताया कि साहब यहाँ पर स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा जिसमें आपको बताया कि इतनी सारी जड़ी बूटियाँ मिलाकर बच्चों को पिलाई जाएगी और हर माह के पुष्य नक्षत्र को पिलाते हैं, तो स्वर्ण प्राशन से क्या होगा। मेरा जवाब एक सवाल है कि हम लोगों ने अभी अभी कोरोना बीमारी से निकले हैं, 2 साल हुए मात्र, 1 से 2 साल, लगभग सभी लोगों ने कोरोना के एक वैक्सीन लगाया ना, लगभग मेरे ख्याल से हम लोग जितने बैठे हैं कोरोना के वैक्सीन लगभग हर व्यक्ति ने लगाए हैं, तो क्या उससे कोरोना नहीं हुआ क्या? कोरोना काल में जब हमको वैक्सीन लगे थे तो ऐसा तो हुआ नहीं कि कोरोना का वैक्सीन लग गया और अमर हो गया आप, नहीं ना। ये क्या था, वैक्सीन जो हमारे भारत में बना था, यदि आपको कोरोना का वैक्सीन लग गया है और इन केस यदि आपको कोरोना बीमारी हो गई तो उसकी घातकता उतनी नहीं रहेगी। कोरोना बीमारी हो सकती है आपको, लेकिन जो ऐसा लग रहा था कि उस समय कोरोना बीमारी होने के बाद पेशेंट मर गया है वो घातकता कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी इंजेक्शन लगने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो यही मेडिसिन स्वर्ण भस्म यही काम करता है कि आपके बच्चे के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी तो क्या होगा, जो आपकी शिकायत है बच्चे को बार बार बुखार आना, बार बार सर्दी खांसी होना, बार बार उल्टे दस्ते लगना, वेट नहीं बढ़ना, खाना खाने की इच्छा नहीं होना, ये धीरे धीरे, कोई चमत्कार एक दिन में नहीं होता कि आपने दवा पिला दी आज और बच्चे का वजन 2 किलो कल बढ़ गया, बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन आप लगातार दवा पिलाएंगे, हर महीना पुष्य नक्षत्र में एक दिन दवा पिलाएंगे, इसका कोर्स रहता है कम से कम 1 साल तक, 1 से लेकर 1.5 साल 2 साल तक भी पिला सकते हैं, इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं। सेंधवा शिशु मंदिर में हम लोग करीब 8 या 10 महीने हो गए पिलाते हैं, 10 महीने से हम लोग स्वर्ण प्राशन पिला रहे हैं बच्चों को, और हमारे वहाँ करीब 500 बच्चे प्रतिमाह पी रहे हैं स्वर्ण प्राशन, 500 बच्चे प्रतिमाह पी रहे हैं, और हमने उनका डेटा बनाया। डेटा मतलब ऐसे कागज़ पर जो आपको दिया लिखकर, जैसे बच्चे का नाम, उम्र, उसकी हाइट और वेट, एक साधारण सी बात, अभी हम बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, जिससे आपने दवा पिले तो बच्चे का नाम लिखाइए, उसका वेट लिखा, उम्र, चलो घर जाओ, दवा पिले घर जाओ। बच्चों को बीमारी है क्या, मेरे साथ कुछ डॉक्टर्स जाते हैं पहली बार जब जाते हैं तो उनसे पूछ लिया कि बच्चों को कोई बीमारी है क्या, है तो उसकी दवा लिखी, अदरवाइज ठीक है आप घर जाओ, ये हो गया। अब जैसे अभी मैडम ने बताया था विशेष महत्व खाने पीने का आ गया, आप सोचो
कि दवा पिलाने से तो अमर हो गया, बिल्कुल नहीं। दवा पिलाने के साथ हमको किस तरीके से और क्या खिलाना चाहिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब वो डाटा का रिकॉर्ड कैसे निकाला हमने कि शुरू के एक दो तीन महीने कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मतलब कैसे, जैसे मैं विद्यालय कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में एक बार जाऊँ और विशेषकर जिस दिन दवा पिला रहे हैं उस दिन जाए ताकि बच्चे भी देखने में आते हैं, उनके पेरेंट्स भी, और सहज पूछना हो जाता है कि भैया कुछ फर्क पड़ा क्या। अब हमको 5 और 6 महीने बाद बच्चों में फर्क दिख रहा है और ये कौन बोलेगा, पेरेंट्स आके बोलते हैं, हमने पूछते हैं। पेरेंट्स जो आते हैं आप जैसे, वो दीदियों को बोलते हैं कि दीदी देखें आपने वेट देखा बच्चे का कि 6 महीने पहले जो था 9 किलो था ये 11 किलो हो गया, 12 किलो हो गया और पिछले कुछ महीनों से वेट बढ़ने रहा था। कई बार होता है कि वेट उम्र के साथ बढ़ेगा, बढ़ेगा ना वेट तो उम्र के साथ कि नहीं बढ़ेगा। अरे कोई बच्चा मान लो 8 साल का है तो 6 महीने बाद वेट तो बढ़ेगा, लेकिन प्रोपोर्शनली कैसे मालूम पड़ता है हमको, जब हम रिकॉर्ड रखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप मालूम पड़ता है कि कितना वेट बढ़ रहा है। तो ये डाटा हमारे कलेक्ट करने से ये मालूम पड़ा कि अधिकांश बच्चों में 5 से 6 महीने बाद परिवर्तन दिखना चालू हो गया। तो परिवर्तन कैसे, कि जो बच्चा हर 1 महीने में बीमार पड़ रहा था वो ऐसा नहीं कि ठीक हो गया, वो जो उसके ड्यूरिंग उसका जो है जो हर महीने का कि हम लोग 50 रुपये ले रहे हैं यहाँ पर, सर कितने ले रहे हैं यहाँ पर अपन 50। आप पता लगाएं कभी, मैं डॉक्टर हूँ, मैडम भी डॉक्टर थी, मैं भी पिलाऊंगा मेरे दवाखाने में तो कम से कम 150 रुपये लूँगा, मैं भी पिलाऊंगा मेरे दवाखाने में, क्योंकि ये दवाइयाँ काफ़ी महंगी आती है। लेकिन सिर्फ शिशु मंदिर, शिशु मंदिर के बारे में और जानकारी दूँ, हमारे पूरे विद्या भारती संचालित करते शिशु मंदिरों को, जैसे यहाँ पर है निवाली में, सिंधवा में, ऐसे पूरे देश में 25,000 शिशु मंदिर है, 25,000 शिशु मंदिर है जहाँ पर लगभग 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं। तो ये जो मेडिसिन बनती है हमारे शिशु मंदिरों के लिए विशेष तौर पर बनाई जाती है। ऐसा नहीं होता है कि आप मेडिकल पर गए और निकाला भैया देते हमको स्वर्ण प्राशन देते पाव भर ये एक शीशी देते, हो सकता है कि मार्केट में अवेलेबल हो, लेकिन ये हमारे शिशु मंदिर के लिए विशेष तौर पर बनाई गई। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि शिशु मंदिर कमाने का नहीं है, ये शिशु मंदिर चाहे बच्चों के लिए और डॉक्टर साहब और मैडम पधारी है, इसलिए ध्रुव तारा शिक्षा समिति आपका आभार व्यक्त करती है पर हमने बुलाया है। हम चाहते हैं कि आप लोग सभी इसे 3 से 12 साल तक के बच्चे को स्वर्ण प्राशन पिलाते हैं नर्सरी से 5वीं तक के, तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में जितनी भी माता बहनें हैं, अन्य विद्यालय में वो बच्चे पढ़ते हैं तो यह विद्यालय उन्हें भी यह स्वर्ण प्राशन न्यूनतम शुल्क 50 रुपये के पंजीयन पर विद्यालय में पिलाया जाएगा प्रत्येक माह पुष्य नक्षत्र में। आपका एक कार्ड बनेगा, उस कार्ड में जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया उनका नाम पता और साथ ही उनका वजन हाइट भी लिखी रहेगी और क्या परिवर्तन आ रहे हैं आप उसमें देख सकते हैं। तो पंजीयन विद्यालय में आप श्रीमती अंजना जगताप दीदी के पास एवं जो माता बहनों के यहाँ बच्चे पढ़ते वो कक्षा शिक्षक के पास भी आप पंजीयन करा सकते हैं। कल स्वर्ण प्राशन, कल पुष्य नक्षत्र है तो कल स्वर्ण प्राशन इस विद्यालय में प्रातः 9 बजे से 11 बजे के मध्य पिलाया जाएगा। आप पंजीयन कर अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन पिला सकते हैं। हमने प्रथम डोज के लिए 150 बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन बुलाया है। आप अगर पंजीयन करवाते हैं अधिक से अधिक तो अगले माह 1 दिसंबर को भी स्वर्ण प्राशन का कार्यक्रम यहाँ रहेगा। 1 दिसंबर को पुष्य नक्षत्र आ रहा है, उस दिन भी अधिक से अधिक भैया बहनों को स्वर्ण प्राशन पिलाया जाएगा। आप अपने अड़ोस पड़ोस में भी, गली में, मोहल्लों में भी यह सूचना दे सकते हैं। ठीक है, अभी जो भी यहाँ आए हैं माता बहनें वो सभी यहाँ चाय अल्पार लेके ही जावे। और प्राशन जो करवाते हैं ये बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास इसको बढ़ाने के आप जहाँ जहाँ जाने में जा रहे हैं और सेवा को कैसे डेवलप करा समिति की मीटिंग रहना।